So Priyanka Chahar Chaudhary, the Udariya fame, is definitely one of the most popular contestants of the show. Agreed? Well, other than her sense of style and the way she carries herself and the way she puts her thoughts across, especially humne Big Boss ke is journey mein to of course dekh hi liya hai, Priyanka is known for her fit and toned body. Agreed? जहाँ हमें पता है कि प्रियंका को स्पेशली वीकेंड के वार में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है बिकॉज ऑफ अ सेंस ऑफ स्टाइल एंड जैसे हमने लेटेस्ट यू नो शुक्रवार के वार में देखा था कि करण जौहर ने उन्हें प्रेस किया था कि उनका सेंस ऑफ स्टाइल और उनका फैशन सेंस है वो बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है. फिर फराह खान ने भी उनको अप्रिशिएट किया था. उसके साथ साथ हमने देखा था कि निमृत कौर अहलूवालिया जैसे उनका उनके साथ इक्वेशन जो है शो में अच्छा नहीं था बट स्टिल निमृत ने बोला था कि उनका जो फैशन सेंस है वो बहुत अच्छा है. सो यू नो वी कांट डिनाई कि प्रियंका इज नोन फॉर हर स्टाइल और विद टाइम जो है उनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है बिकॉज ऑफ दैट. बट कहीं ना कहीं उनकी फिट एंड टोन बॉडी के बारे में भी उनसे बहुत बार पूछा जाता है एंड समथिंग विच द फैंस डेफिनेटली वॉन्ट टू नो, राइट? सो आज के इस लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 5 टिप्स एंड ट्रिक्स दैट प्रियंका चहर चौधरी गोज फॉर इन ऑर्डर टू अटेन दैट टोन फिट एंड हेल्दी बॉडी. बट बिफोर दैट, हेलो, आई एम रेशम एंड यू आर वॉचिंग DNP Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया, then what you waiting for? Please कर ले. Thank you. So let me tell you that Priyanka Chahar Chaudhary is one of those blessed souls who doesn't gain weight even after eating a lot. जी हाँ, उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यूज में बताया है, you know, Big Boss के पहले, जी हाँ, of course, उन्होंने बताया था कि कैसे वो कुछ भी खा लेती हैं, थोड़ा ज़्यादा भी खा लेती हैं, but still she doesn't gain weight. But still उन्होंने बोला है कि after 25 it's very important for you to work out, irrespective of the fact कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है एंड यू आर वन ऑफ दोज ब्लेस्ड सोल्स. तो उन्होंने बोला है कि शी मेक्स इट अ पॉइंट कि वो यू नो सुबह उठ के वर्कआउट करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें बताया है कि कैसे उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफस्टाइल है उसमें एक मेजर चेंज लाया है, विच इज़ कि वो जल्दी सुबह उठना उन्होंने शुरू कर दिया है एंड यू नो वर्कआउट भी है वो रेगुलर बेसिस पे करती हैं, चाहे कोई भी सिनेरियो हो, चाहे कोई भी हेक्टिक स्केड्यूल हो या ना हो. उन्होंने बोला है कि यू नो बींग इन दैट डिसिप्लिन सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग दैट प्रियंका चहर अबाइड्स टू. सेकेंड थिंग दैट प्रियंका चहर चौधरी गोज फॉर इज लिक्विड डाइट. जी हाँ, उन्होंने बोला है कि स्पेशली जब वो स्टार्टिंग ऑफ द डे जो होता है एंड यू नो फर्स्ट फेज ऑफ द डे जो होता है, यू नो इन द मॉर्निंग्स एंड लंच तक, उन्होंने बोला है कि वो मोर ऑफ लिक्विड्स कंज्यूम करती हैं, चाहे वो बीट रूट जूस हो या बनाना स्मूदी हो या फिर कोई और फ्रूट की स्मूदी हो, मे बी बेरीज और एनी अदर थिंग या फ्रूट्स के, जैसे हमें पता है दैट उन्होंने बोला है कि फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए. तो उसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि स्टार्टिंग ऑफ द डे में यू शुड कंज्यूम मोर ऑफ लिक्विड्स, और उसी के बारे में उन्होंने बहुत ओपनली भी बोला है एंड समथिंग दैट शी गोज फॉर. उन्हें लगता है कि अगर आप यू नो इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में अगर आप ज़्यादा लिक्विड्स का इंटेक बढ़ाओगे एंड सॉलिड थोड़े कम खाओगे तो उससे आपकी जो हेल्थ है एंड ओवरऑल बॉडी टाइप पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा एंड ऑफकोर्स आप हेल्दी तो रहोगे ही, प्लस यू कैन गेट इन टू दैट डिजायर्ड बॉडी शेप. सो द थर्ड थिंग दैट प्रियंका चहर चौधरी लव्स इज हर योगर्ट. जी हाँ, उन्होंने बोला है कि शी इज़ टोटली अ योगर्ट पर्सन. उन्हें लगता है कि अगर वो योगर्ट यू नो अपने लंच में यू नो एक बड़ा बोल ऑफ योगर्ट लेती हैं तो उन्हें एक अंदर सेटिस्फैक्शन तो ऑफकोर्स मिलती ही है, उनके टेस्ट बड्स को भी बहुत अच्छा लगता है, प्लस उन्होंने बोला है कि वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि इन केस आप ज़्यादा मिल्क या फिर पनीर या ये सब जो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर योगर्ट. You can either add rock salt or you know काला नमक जो होता है black salt वो भी add कर सकते हो, but make it a point कि आप अपने you know meal में एक full meal में yogurt का एक bowl ज़रूर add करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे digestion process जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, plus आपका जो stomach है वो ज़्यादा full रहता है and when you full तो of course आपको you know sweet cravings या फिर जो junk cravings नहीं होती है and you know adding yogurt is definitely her thing.
the next thing that Priyanka Chahar goes for, and something which I'm sure ki Big Boss ke fans ne bhi of course notice kiya hoga, that she works out a lot and that too in the morning. Ji haan, isse humne Big Boss ke ghar mein bhi dekha ki chahe koi workout kare ya na kare, but subah uth ke jaise hi Big Boss ka alarm bajta hai, hum dekhte hain ki usse pehle hi Priyanka Chahar jo hai puri ready milti hai, kyunki usse pehle hi wo apna workout kar chuki hoti hai, you know, apne proper and perfect gym wear outfit mein. Jahan humne dekha hai that you know she's not much of a gymming person, wo zyada you know treadmills ya you know cycling ya usme nahi involved dikhti hain, but wo zyada yoga karti hain, and you know jise hum baithe baithe mat pe jo exercises karte hain, you know, be it stretching or any other sort of that, to Priyanka Chahar wo zyada karti hain, you know, exercises is something her thing and something that she abides to, and jaise unhone bola hai she is one of those blessed souls, so no matter what, agar unka weight gain nahi ho raha hai, still she makes it a point ki wo workout to zarur zarur kare, kyunki unhe wo fuller and you know proper toned body milti hai and unki body balance mein aati hai and proper stretching to hoti hi hoti hai. Last thing and the fifth thing that Priyanka Chahar Chaudhary abides to is that she avoids maida and breads. Ji haan, jahan unhone bataya hai ki unko sweet cravings nahi hoti hai and she is not that of a sweet tooth. Unhe chocolates ya sweets ya mithai bilkul bhi nahi pasand hai. Ji haan, unhone ye openly ek interview mein bataya hai ki unhe sweet chocolates bilkul nahi pasand hai, but ha, agar unke kuch cut out karne ki baat hui unke diet mein se, wo as such koi proper diet ya wo aise follow nahi karti hai. She loves her ghar ka khana, but agar कुछ कटआउट करने की बात हो तो उन्होंने बोला है कि उनको मैदा और ब्रेड्स जो होते हैं वो उसकी जो क्वांटिटी होती है या जो उसका इंटेक होता है वो कम लेती हैं, एंड शी मेक्स इट अ पॉइंट कि वो उस चीज़ का कभी एक्सेस ना करें, लाइक वी नो कि वो मोमोज होते हैं या यू नो हमारे सैंडविचेस होते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट प्रियंका चहर चौधरी डेफिनेटली अवॉइड्स इन हर डाइट. सो ये तो थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक दैट प्रियंका चहर चौधरी द बिग बॉस सीजन 16 फेम फॉलोज इन ऑर्डर टू गेट फिट फैबुलस एंड ऑफकोर्स दैट टोन्ड बॉडी. एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज lifestyle and health related segment. अगर आपको हमारा आज का content और video पसंद आया, then please not forget to like, share and subscribe to DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.